तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं शाउट आउट देना चाहूँगा सोल रोहित भाई को, जिन्होंने यार इस वीडियो बनाने के लिए रूम कार्ड का डोनेशन किया, हम जैसे गरीब को रूम कार्ड का दान किया। तो गाइस जिसके पास भी रूम कार्ड का खजाना है वो कृपया करके हमसे डिस्कॉर्ड पर संपर्क करें, क्या पता अगला नाम आपका हो इस शाउट आउट पे। तो गाइस वीडियो देखो, वीडियो काफ़ी अमेजिंग है और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और जो भी अब तक नए आए चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा दो यार, वो जो लाल वाला बटन है उसको काला कर दो। अनंत ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, और उसका एक छोटा सा भाग पृथ्वी। 10,000 साल पहले निर्मल, सुंदर और इस पवित्र धरती पर सूर्यांशों अर्थात सूरज के अंश का राज था, प्रकाश का साम्राज्य था। योगी और तपस्वियों से इस पृथ्वी पर प्रकाश तेजस्वी बन गया था। पूजा, वेद, मंत्र पठन से ये पृथ्वी पवित्र थी। योग शक्ति से इस धरती को पवित्र आत्माओं ने संभाला था। आज से 6,000 साल पहले कलियुग की शुरुआत हुई। कली ने लोगों में प्रवेश किया, विचार विकार में बदल गया। रोज बढ़ते हुए पापों का, अत्याचारों का बोझ उठाते हुए ये धरती कांप रही है। हर तरफ खून की प्यास बढ़ रही है। अंधेरा हर तरफ, हर जगह, हर पल सिर्फ अंधेरा। इस अंधेरे के साम्राज्य में मानवता को अन्याय से, अत्याचार से बचाने के लिए जन्म हुआ सूर्यांशी का। प्रस्थान करो अपनी कर्म भूमि की ओर, जहां बढ़ता जा रहा है पाप और असत्य का दुराचार, मनुष्य के 6 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मत्सर अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचकर लोगों का नैतिक तथा मानसिक पतन कर रहे हैं। और ये सब करवाने वाला भी एक महायोगी ही है, जिसका नाम है तमराज किल्विश। और उसका उद्देश्य है इस संसार से पुण्य को मिटाकर पाप का साम्राज्य स्थापित कर देना। मैं उसका प्रतिकार कैसे करूंगा गुरुदेव? तुम्हें किल्विश का संहार नहीं, उसे निष्क्रिय करना है। और ध्यान रहे, तुम्हें केवल पाप का शवन करना है, पापी मनुष्यों का नहीं। अपनी शक्ति के बल पर उनका हृदय परिवर्तन करो। असत्य का प्रतिकार करना है, हिंसा नहीं। अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है, लेकिन जाने से पहले एक प्रण कि तमराज किल्विश और उसके अनुयायी के दुराचार का अंत ही तुम्हारे कर्मकाल का प्रमुख लक्ष्य होगा। प्रण लो। चारों दिशाओं, धरती, आकाश और अंतरिक्ष को साक्षी मानकर जगत के जीव जंतु और वनस्पति को साक्षी मानकर, भूत भविष्य और वर्तमान को साक्षी मानकर, मैं प्रण you
रुक जाओ बालक, ये क्या करने जा रहे हो? अरे सस्ते शक्तिमान, इरेंगल में क्या करने आ गया? तो तेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे, जा यहाँ से। दुष्ट बालक, मैं इस संसार में मनुष्य के अंदर के अंधेरे और उसके अंदर की बुराइयों को खत्म करने आया हूँ। एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेता है, कौन से कंपनी से आया है तू? और तेरे कपड़े में बैटरी लगा हुआ है ना, वो लाल लाल घूमने के लिए, हाँ चार्ज तो फुल करके आया है ना। चल हट अभी, सामने बंदा है, मुझे मारने दे इसको। देखो बालक, किसी को जान से मारना उचित नहीं, ये घोर पाप है, तुम्हें इससे बचना चाहिए। अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, उससे टीम अप करो, फ्लेयर गन का दान किया करो, अपने अंदर का क्रोध छल कपट सब कुछ त्याग करो बालक। हाँ शक्तिमान, तू कुछ ज्ञान दे रहा था, बोल। मैंने मार डाला उसको, मेरा काम हो गया। दुष्ट बालक, तुमने उसको मार डाला, तुमको इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। जा जाके बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं है। एक मिनट, ये सस्ते शक्तिमान का ये बैटरी वाला कपड़ा मेरे काम जरूर आ सकता है। मेरा बहुत दर्द कर रहा है, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। क्या हुआ बालक, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें किस चीज की पीड़ा हो रही है? मैं क्या करूं, मेरा पेट दर्द करने लगा, बहुत दर्द कर रहा है मेरा पेट। रो मत बालक, मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से चिकित्सालय लेके चलता हूँ। ये चिकित्सालय क्या होता है? मंदबुद्ध बालक, तुम्हें ये भी नहीं पता चिकित्सालय क्या होता है? जहाँ पे जख्मी मनुष्य का उपचार किया जाता है उसे चिकित्सालय कहते हैं। अरे सस्ते शक्तिमान, उसको हॉस्पिटल कहते हैं, पुराने जमाने से आया क्या तू? हाँ बालक, तुमने सही पहचाना, मैं प्राचीन काल से आया हूँ इस संसार में बुराइयों का विनाश करने। वाह सस्ते शक्तिमान, तू एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेता है, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, तू एक काम कर, मुझे मेरे घर तक पहुँचा दे, मेरे घर में मेरे पेट दर्द की दवाई है, मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से पहुँचा दे। और तेरा बैटरी तो फुल चार्ज है ना, कहीं मुझे रास्ते में गिरा तो नहीं देगा ना तू? दुष्ट बालक, मेरे शरीर में कोई बैटरी या फिर कोई यंत्र नहीं लगा हुआ है, मैं ही शक्तिमान हूँ। अच्छा चले, सब नौटंकी बंद कर, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे, मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है, मेरा घर है मिल्टा पावर, जल्दी चल। चलो बालक मेरे संग आ जाओ। जाओ बालक, जल्दी से अपनी दवाई का सेवन कर लो ताकि तुम्हारे पेट की दर्द ठीक हो जाए। सस्ते शक्तिमान, मैंने तुमको उल्लू बनाया। अरे मैंने सोचा कि कौन यार उतना दूर से नोवो से पैदल चल के आएगा घर, तो तुम्हारे पास वो उड़ने वाली मशीन थी, तो मैंने सोचा कि चलो तुम्हारे मशीन से ही उड़ लिया जाए, घर पहुंच गया यार शॉर्टकट, कौन उतना पैदल चलेगा। दुष्ट बालक, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमको इसकी सजा मिलेगी। अरे छोड़ ना यार, तू भी गुस्सा हो गया फालतू में, मम्मी को बोलता हूँ चाय पिएगा। चल आजा, तुझे मस्त मलाई मार के चाय पिलाता हूँ। अरे ये तो रूठ के चला गया यार। आजकल के बच्चे भी अत्यंत पापी अत्यंत दुष्ट हो चुके हैं, उन्होंने मुझे उल्लू बना डाला, उसने मेरी शक्तियों का गलत उपयोग करवाया, ये दुनिया बहुत गलत है। शक्तिमान, तुम्हारी कोई भी शक्ति इस दबराज के लिए इसके षड्यंत्र को नहीं रोक सकती, ये पापी बच्चे और बढ़ते जाएंगे, मैं संसार के सारे बच्चों को पापी बना दूंगा, दुष्ट बना दूंगा, आजकल के बच्चों से तुम्हारा पाला नहीं पड़ने वाला। हाँ, शक्तिमान तुम कुछ नहीं कर पाओगे, पूरी दुनिया को पापी बना डालूंगा। तेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ, ये दुनिया बहुत खराब है माँ, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। और गाइस एक मिनट, वीडियो को खत्म करने से पहले मैं एक और लड़का को शाउट आउट देना चाहूँगा जिसका नाम है फ्लेयर डायनेमिक, ये हमारे पॉपुलैरिटी पे सबसे एक नंबर पे है। तो गाइस आज से मैंने डिसाइड किया है कि पॉपुलैरिटी पे जो एक नंबर पे रहेगा, हर महीने एक वीडियो पे उसको शाउट आउट दिया जाएगा। तो गाइस जाओ और भर भर के पॉपुलैरिटी दो, अगला नाम
आपका खुद का कर लो। तो गाइस जाओ, ये रही मेरी पबजी आईडी, इस पर जाके भर भर के 3-4 बोरी पॉपुलरिटी दो और गाइस आप अगला नाम आपका। I need to kick the habit that my mind is breathing in.